खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। गांव में कोई भी उसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप किसी भी गांव में किसी भी तरफ जाओगे ना आप, तो कोई भी आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि उसमें कोई खराबी थी। बहुत अच्छा लड़का था। गैंगस्टर नो पिंड दे लोग नहीं मानते अपराधी। मैं कह रहा हूँ उनका नाम सारे वर्ल्ड में है, देश में नहीं है, बाहर भी बड़े बड़े काम करते हैं, पर देश हित के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ता है, ना किसी से फालतू बात करता था। गांव के अंदर इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना भी किसी से आपके थोड़ा सा ही बड़ा मिल गया उसके पैर छूता था। हर एक बच्चे की मदद खेल कूद में, जैसे बच्चों के पास कोई क्रिकेट का सामान नहीं था तो वो अपने पास से भी लेकर बच्चों को दे देता था। जैसे वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट की किट हो गई, कभी किसी बच्चे को मना नहीं करता, अपने पास खुद से दिलवा देता था लोगों को। जानो स्टूडेंट तो गैंगस्टर बनन तक का सफर। तस्वीरां खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दे अपने जद्दी पिंड दुतारा वाली दियां ने, जिथे गैंगस्टर दा बचपन बीतिया ते इत्थों दे लोग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नू अपराधी नहीं मानते ने। पिंड दे विच लॉरेंस बिश्नोई दा बचपन किवें दा सी, खेड दे मैदान नाल उहदा की नाता सी अते किवें उसने विद्यार्थी तों इक गैंगस्टर तक दा सफर तय कीता, ए पिंड दे लोकां दी जुबानी तुसी आप सुनो। हम बातचीत करते हैं गांव के लोगों से। गांव के लोग जो है मौजूद है सर, लॉरेंस बिश्नोई का गांव है। हाँ जी। तो कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था जी, और अच्छे नेचर का था, और खेल कूद में भी बहुत अच्छा था। गांव में तो कभी, गांव में कोई भी उसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप किसी भी गांव में किसी भी तरफ जाओगे ना आप, तो कोई भी आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि उसमें कोई खराबी थी। बहुत अच्छा लड़का था। तो यहाँ से कब लास्ट समय कब आया था यहाँ पर इस गांव में? लास्ट समय तो भाई 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था ना, तब तक तो हमने उसको यहाँ देखा था। उसके बाद जब चंडीगढ़ चला गया पढ़ने, वहाँ पर तो कभी कभार ही आता था। तो ऐसा क्या हुआ कि ये गैंगस्टर तक का नाम जुड़ गया उसके साथ? जी इसका तो हमें पता नहीं है कैसे जुड़ गया कैसे नहीं जुड़ गया। हम तो जमींदार आदमी हैं, यहाँ पर बिल्कुल ठीक था, हमें तो बस इतना पता है। हर एक बच्चे की मदद खेल कूद में, जैसे बच्चों के पास कोई क्रिकेट का सामान नहीं था तो वो अपने पास से भी लेकर बच्चों को दे देता था। जैसे वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट की किट हो गई, कभी किसी बच्चे को मना नहीं करता, अपने पास खुद से दिलवा देता था लोगों को। अब जैसे पूरे देश के अंदर लॉरेंस का नाम चल रहा है, हर बात के ऊपर जो लॉरेंस की नाम आता है, तो उसको कैसे देखते हो भाई? उसको तो भाई हमने कभी उसको गलत तो देखा नहीं है। और बाकी अंदर बैठा है, जेल के अंदर है वो, उसके बाद भी अगर बाहर से कोई ब्लेम लगा रहा है तो उसका भी क्या किया जा सकता है? पता नहीं अभी क्यों लगा रहे हैं ब्लेम, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बस जितना आपको पता है उतना ही हमें पता है। तो विश्वास कितना करते हो इन बातों के ऊपर? जैसे बात आती है कोई भी कांड होता है तो बिल्कुल झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसी हमने कोई ना, तो हमारे गांव में ऐसी कोई अफवाह हुई है ना ही हमने कभी यहाँ पर सुनते हैं। बाकी भाई मैं ज़्यादा बता नहीं सकता भाई क्या है क्या नहीं। माता पिता का नेचर कैसे है? कैसे? बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत मिलनसार थे, बहुत अच्छे हैं। तो भाई भी है उनका, एक लॉरेंस का है, छोटा भाई था उसका। अच्छा, तो वो कहाँ पे है? उसका पता नहीं है जी हमें कहाँ। तो हर कांड के अंदर जिम्मेवारी भी ली जाती है सोशल मीडिया पर, साइट पर भी? जिम्मेवारी तो अभी पता नहीं कौन ले रहा है जी, कौन नहीं ले रहा। अब ये अंदर बैठे, हमें तो ये समझ नहीं आती, जेल के अंदर बैठा यार कैसे कर सकता है कोई? हमारे तो खुद में यहाँ पर एक आगे पहले कत्ल हुए थे, 20-20 साल की काट के आए थे गांव के कोई, उनकी तो कभी हमने नहीं सुनी भी जेल के अंदर से ये हो जाता है। जेल के अंदर से कैसे हो सकता है बताओ? शौक किस तरह के थे उसके बचपन में, किस तरह? खेल कूद के शौक थे सारे, बिल्कुल खेल कूद के शौक थे। आप गैंगस्टर मानते हो? नहीं, हम तो नहीं मानते गैंगस्टर उसको।
बिल्कुल नहीं मानते गैंगस्टर। तो आप जब लोगों की जुबान पर गैंगस्टर नाम सुनते हो, आपके गांव के बेटा है, बुरा लगता है? बिल्कुल बुरा लगता है जी। मैं कह रहा हूँ उनका सा नाम सारे वर्ल्ड में है, देश में नहीं है, बाहर भी बड़े बड़े काम कर रहे, देश हित के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ता है, ना किसी से फालतू बात करता था। गांव के अंदर इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना भी किसी से आपके थोड़ा सा ही बड़ा मिल गया उसके पैर छूता था। यहाँ से निकलने के बाद वो चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ जाने के बाद कुछ भी हो, NIL आए थे, वो पूछते थे वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, हम ये कहते हैं। मैं क्या, उसका 120 किला पहली है, खुद की लैंडलॉर्ड है, कई कहते हैं ये वो पुलिस में था उसका बाप, उसने पुलिस वालों से खाया, उसे उस बच्चे उसको खाया कुमा कुमा के, ये कोई गलत बात है? बिल्कुल ही बात है। फिर भाई साहब एक बात और बता रहे, गांव में उसका अच्छा स्वार्थ था, अच्छा था राष्ट्रहित के लिए, प्राण देने वालों में धर्म के लिए, पर इससे आगे ये बात कर रहा हूँ मैं भी, जो वो कहता ना करनी सेना को जोधपुर में है, अपने आप को कहता मैं करनी सेना का प्रधान हूँ, हम यहाँ से उनको कह देते हैं वार्निंग भी, हम तुम्हारा सिर दर्द कुछ भी लेंगे, हम 11,11,000 रुपये उनको सिर्फ दुतराली में आ जाए दे देंगे। लॉरेंस किसी के विरुद्ध नहीं बोलता है, ना ही किसी के बात करता है, वो अंदर है। उस अंदर होने के बाद भी आप कहते हैं ये कांड कर दिया, ये वहाँ पे ये कांड कर दिया, अरे पुलिस कस्टडी में है, जो कुछ भी कर रहा है ये तो फिर पुलिस की जिम्मेवारी है, या उसके ऊपर जो लीडर है मोटे उनकी बारी है, वो किसी से कभी भी गलत बात नहीं करता था।